मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है बोर्ड की वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो इसी बेहतरीन तैयारी को मैं और बेहतरीन करने के लिए 12th क्लास केमिस्ट्री के हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम चैप्टर से कुछ नेम रिएक्शन लेके आया हूं, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी पक्का पूछी जाएंगी, जो कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024। तो उसके लिए ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं लेके आया हूं दोस्तों चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहली रिएक्शन दोस्तों क्या है? पहली रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन है हमारी फैंकलैंड अभिक्रिया, और जो तीसरी अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया है स्वार्ट अभिक्रिया। तो दोस्तों पहली रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है? पहली अभिक्रिया है हमारी वुड्स अभिक्रिया। देखो, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? एल्किल हैलाइड यानी कि RX, ये एल्किल है और ये क्या है हमारा? हैलाइड है। हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु, और हैलोजन परमाणु क्या होते हैं? FClBrI, ठीक है। इन सभी को क्या कहते हैं? हैलोजन परमाणु कहते हैं, या हैलोजन परिवार के सदस्य कहते हैं। देखिए, एल्किल हैलाइड यानी RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर क्या होता है दोस्तों? शुष्क ईथर होता है हमारा ROR, यानी कि सूखा ईथर लेना है हमें, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इस अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बन की संख्या भी बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बन की संख्या भी बढ़ाते हैं। तो देखो किस तरीके से ये रिएक्शन होती है दोस्तों। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड, उसकी अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ? सोडियम के साथ, और वो भी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ROR की उपस्थिति में। ये कहलाता है हमारा ईथर, और ये कैसा होना चाहिए दोस्तों? शुष्क यानी कि ड्राई होना चाहिए, शुष्क ईथर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो क्या होता है दोस्तों, यहां से एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन देखो कैसे, यहां ये जो परमाणु होते हैं ना, ये अणु है यानी कि एल्किल हैलाइड है, ये हमें दो लेने पड़ते हैं। कितने लेने पड़ते हैं? दो। अभी क्यों लेने पड़ते हैं उसका भी एक रीजन है, मैं बता दूंगा अभी, है ना। और ये सोडियम परमाणु, ये भी कितने लेने पड़ते हैं? दो, ठीक है। तो देखो, जैसे ही सोडियम को एल्किल हैलाइड यानी कि हैलोजन परमाणु नजर आता है, तो ये तुरंत उसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है और उसको वहां से हटा देता है। अब देखो यहां से दोस्तों, कितने आर है? दो आर। एक्स कितने हैं? दो एक्स है हमारे, दो एक्स है और दो ही क्या है? आर है। अब क्या होता है, ये आर और आर है ना, एक आर ये रहा और एक आर ये रहा, ये दोनों जुड़ के क्या कर लेते हैं? एल्केन का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि आर और आर प्लस में ये सोडियम क्या करेगा? ये एक्स के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? 2NaX बना लेगा, ठीक है। ये सोडियम हैलाइड है। क्या है ये? सोडियम हैलाइड। और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? एल्केन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एल्केन। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं ले लेता हूं CH3 और Cl, ये हमारा क्या कहलाता है? ये मैथिल क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नाम होगा दोस्तों, क्लोरोमेथेन। तो ये मैथिल क्लोराइड कह देंगे इसको। क्या कह देंगे? मैथिल क्लोराइड, राइट। इसके कितने अणु लेने हैं दोस्तों? हमें दो अणु लेने हैं, और सोडियम के कितने परमाणु लेने हैं? दो परमाणु लेने हैं। किसके? सोडियम के। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे, तो यहां से जो CH3 है वो कितने थे? दो, वो अलग हो जाएंगे। और यहां से देखो, ये Na के साथ कितने Cl निकल जाएंगे? दो Cl निकल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? NaCl। और वो भी कितने बनेंगे दोस्तों? दो बनेंगे, ठीक है। और यहां से क्या प्राप्त होगा? CH3 और CH3, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ये हमारा देखो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा एथेन। क्या कहलाता है? एथेन। बात समझ आई? यहां पर कितने कार्बन थे इसके साथ? Cl के साथ एक अकेला कार्बन था। अब देखो कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन हो गए। इसीलिए बोलते हैं ये अभिक्रिया क्या करती है कि कार्बनों की संख्या भी
बढ़ाती है। आई होप आप यहाँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। तो अगले रिएक्शन पे बात करते हैं, हम अगले रिएक्शन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगली रिएक्शन हमारी क्या है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया है। देखिए ये बिल्कुल साधारण रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। देखो क्या होता है, बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही है। जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX, एल्किल हैलाइड यानी कि RX, अब यहां X की जगह देखो दोस्तों, X की जगह तुम ले सकते हो क्या, Cl भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो, और Br भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, I भी ले सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए जब एल्किल हैलाइड यानी RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ कराई जाती है, जिंक के साथ कराई जाती है। वहां किसके साथ कराई थी, सोडियम के साथ, यहां किसके साथ करानी है, जिंक के साथ, से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। यहां भी एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल उसी की तरह रिएक्शन है। यहां पर देखो जिंक परमाणु दो नहीं लेने होते। क्यों नहीं लेने होते, क्योंकि यहां पर जिंक है ना जो, उसकी संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है, इसीलिए दो सीएलओ को आराम से झेल लेगा। तो देखिए आगे क्या है, यानी कि RX की मैं इस रिएक्शन को इस पन्ने पे करा देता हूं दोस्तों। तो देखो क्या होता है कि यहां पर RX की अभिक्रिया यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करानी किसके साथ, जिंक धातु के साथ, और वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराते हैं, यहां पर दो अणु लेने होते हैं हमें किसके, एल्किल हैलाइड के। क्यों लेने किया है, तो भैया अभी भी बेस्ट ऑफर चल रहा है, मात्र 150 रुपए में आप क्लास 12th फिजिक्स का गैस पेपर परचेज कर सकते हो। ये पूरा गैस पेपर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट होता है तो आपको दुगना पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप भी इस बेस्ट ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो फास्ट हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, 9024 7964 10 पर, हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पड़ते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जो जिंक है उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +2 होती है, यानी कि कितने एक्स को झेल सकती है, ये 2x को झेल सकती है। तो यहां से देखो, यहां से क्या होता है, ये RX और ये RX है, यहां से ये दोनों बंद टूट जाएंगे और यहां से बन जाएगा Zn(X)2। क्या हो जाएगा, Zn(X)2। अब एक्स की जगह तुम जानते हो कोई सा भी हैलोजन परमाणु ले सकते हो, और क्या मिलेगा हमें, R और जो ये R है दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर लेंगे, एल्केन का निर्माण कर लेंगे। यहां तक आपको सभी को समझ आया होगा। तो देखो दोस्तों ये रिएक्शन इस तरीके से हो रही है। इस रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे कि देखो यहां पर मैं ले लूं CH3 और Cl, ठीक है, प्लस में Zn जिंक धातु, और इसकी किसके साथ उपस्थिति में रिएक्शन करानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां देखो ये कितने अणु लेने पड़ेंगे हमें, दो अणु लेने पड़ेंगे, और क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा Zn Cl2। इसको कहते हैं जिंक क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों, जिंक क्लोराइड। और हमारे पास क्या बनेगा, CH3, देखो दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और क्या बनेगा हमारे पास, दो कार्बनों क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधे तो क्या बनेगा, एथेन। क्या बनेगा, एथेन। तो आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे कि CH3CH2 और Br, क्या ले ले, Br ले लिया, Br। अब देखो X की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, F ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और हमें लेना है क्या, शुष्क ईथर। क्या लेना है, शुष्क ईथर ले लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एथिल ब्रोमाइड। क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। दो कार्बन है इसीलिए क्या कह दिया, एथिल। Br जुड़ा हुआ है इसके लिए क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो दोस्तों इसका ये तो सामान्य नाम हो गया। अगर IUPAC की बात करें तो क्या होगा, ब्रोमो एथेन होगा। क्या होगा, ब्रोमो एथेन। अब देखो यहां पर कितने
अणु लेने पड़ेंगे। और यहां पर दोस्तों हमें जिंक धातु के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, तो यहां से हमें कितने अणु लेने पड़ेंगे, दो। जैसे ही दो अणु लोगे तो यहां से Br टूट जाएगा, और Br टूटेगा तो यहां से देखो क्या बनेगा, CH3CH2, और देखो एक CH2 ये रहा जुड़ गया, और एक CH3, देखो ये CH2CH3 यहां और ये CH2CH3 यहां, दोनों कनेक्ट हो गए, क्या बन गया, कितने कार्बन, 1 2 3 4, चारवा कार्बन हो, क्या कहते हो, ब्यूट, क्या कहते हो, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच कैसे बने, एकल बंध, तो क्या कहोगे, ब्यूटेन, क्या कहोगे, ब्यूटेन। प्लस में हमें क्या मिला, जेडन Br2, इसको कहेंगे जिंक ब्रोमाइड, क्या कहेंगे, जिंक ब्रोमाइड, इसको कहेंगे जिंक ब्रोमाइड। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सभी रिएक्शन हैं जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आगे देखो बात करते हैं हम कुछ अन्य रिएक्शनों की। तो देखो तो दोस्तों ये है गिरन्यार अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, गिरन्यार अभिक्रिया। देखो इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है, और ये गिरन्यार अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है जो इसके अंदर उत्पाद बनेगा। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना दोस्तों, पढ़ेंगे बाद में, एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया करा दी ना भाई साहब Mg के साथ, किसका साथ करा दी, Mg के साथ करा दी। तो जैसे ही Mg के साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो यहां से बंध टूटेगा, और बंध टूटने के बाद ये R अलग भी बिछड़ जाएगा, और ये X अलग बिछड़ जाएगा, बिछड़ गया दोस्तों। उसके बाद ये Mg क्या करेगा कि मैं भाई तुम्हारे बीच में आने वाला हूं, तो यहां से ये Mg बीच में आ जाएगा, इसको कहते हैं गिरन्यार अभिकर्मक, क्या कहते हैं, गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक भी कहते हैं दोस्तों, कर्मक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से बना है, कुछ नहीं, यहां से एल्किल हैलाइड के बंध टूट जाएगा, और बंध टूटने के बाद R और X को ये दोनों को बिछेड़ देता है, और बिछेड़ कर क्या करता है, इनके बीच में ये आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही हुआ है, देखो क्या है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Mg यानी मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति, वही हमें ईथर लेना है, उपस्थिति में कराने पर एक कार्बोधात्विक, कार्बोधात्विक कुछ नहीं है, वही एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक है, यानी कि देखो ये RMgX धात्विक यौगिक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं, इसे गिरन्यार अभिकर्मक भी कहा जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, गिरन्यार अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यहां तक समझ आया होगा। तो देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर R की जगह मैंने ले लिया CH3 और Cl ले लिया दोस्तों, अभी एक्स की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्लस में इसकी किसके साथ रिएक्शन करानी है, Mg के साथ अभिक्रिया करानी है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है, और इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद यहां से ये एल्किल हैलाइड का बंद ब्रेक होगा, यानी कि मैथिल क्लोराइड का बंद ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद CH3 और Mg इनके बीच आ जाएगा, और Cl क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी कि CH3 और Cl के बीच में क्या आ गया, हमारा Mg आ गया, इन दोनों का क्या करवा दिया, चलाक करवा दिया। तो दोस्तों यहां तक समझ आया हुआ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है गिरन्यार अभिकर्मक, क्या है, गिरन्यार अभिकर्मक, अभिकर्मक मक, अभिकर्मक। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं, देखिए इसी गिरन्यार अभिकर्मक की जब तुम अभिक्रिया कराते हो जल के साथ, किसके साथ, जल किसके साथ अभिक्रिया कराते हो, जल के साथ, तो जैसे ही इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो देखो दोस्तों यहां से ये OH और ये H, यहां से ये बंध टूटता है, और यहां से ये OH है ना जो, ये सीधा किसके ऊपर अटैक करता है, Mg के ऊपर, और Mg के ऊपर अटैक करके ये Mg के ऊपर जुड़ जाता है। अब बचा क्या है, जल से, जल के पास से यहां बचा क्या, यहां पर बचा हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल के साथ जुड़ जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन का निर्माण हो जाएगा।
तो आगे जो रिएक्शन है हमारी वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो कौन सी अभिक्रिया है, वो है हमारी स्वार्ट्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? स्वार्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त करना होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना होता है। अब वो एल्किल फ्लोराइड किस तरीके से प्राप्त करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है। देखिए, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Hg2F2 के साथ करा लो, या AgF के साथ करा लो, या SbF3 से कराई जाती है, तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, AgF लोगे तो सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता, यहां जो Rx है ना, अब X की जगह दो परमाणु होने चाहिए, यहां पर कितने परमाणु होने चाहिए, दो, एक तो Cl और एक क्या Br, तभी ये रिएक्शन होगी। अब इसकी रिएक्शन करानी एल्किल हैलाइड की किसके साथ, AgF के साथ। अब AgF के साथ कराओगे तो यहां से Ag के साथ तो क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, और R के साथ क्या जुड़ जाएगा, F जुड़ जाएगा। ये हमारा यहां आके जुड़ जाएगा और ये यहां आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो गया एल्किल फ्लोराइड, और यहां से बन गया सिल्वर X, यानी कि सिल्वर हैलाइड, ठीक है। ये होता है हमारा अवक्षेप, क्या होता है, अवक्षेप। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी अभिक्रिया को हम स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि 2024 में पूछी जाने वाली है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसी चैप्टर की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के बारे में।